नहीं करने का बोले है, उसने क्या करने का, किसी को तुम्हारा परमिशन लेकर किसी का परमिशन लेकर नहीं करना, नहीं कर सकते मेरे मेरे बच्चे को, ये अभी नहीं कर रहे हम कभी भी, माइनॉरिटी थाई रहने दो, एस सी एस टी रहने दो, लिंगायत रहने दो, सब कास्ट का अलग अलग भी नहीं करते उनको, हमारा क्या नहीं होना क्या नहीं होना करते, उसमें क्या है। छह महीने नहीं हो गए भाई साहब, आप आकर तीन महीने तो चार महीने हो गए होंगे, आप सोचिए चार महीने से तुम काम को लगे, जब तुम्हारा पिताजी इलेक्शन का टिकट बोले आपको, जब से भाग रहे उससे पहले कभी आए थे, कभी ननगो तुम्हारे को मालूम है, बेन चिंचोली कहाँ पर है मालूम है, कुमार चिंचोली कहाँ पर है मालूम है, मालूम है घड़वाड़ी कहाँ पर है मालूम है, घड़वाड़ी में लेक बने वहां पर कितना काम करे, उनका आंखें को नहीं लगा क्या करे बोलकर, उन्होंने आने के बाद में जब पूरा कर रहे मुल्क के लोग, अरे बाप रे, फिर वो बीजेपी वाले बोलते ना 70 साल में कुछ कांग्रेस नहीं किया, खाली 9 साल में किया, वो ऐसा बोल रहे आप तुम चालू कर रहे। सर ये कुकर का क्या है सर, कुकर का भी बहुत बड़ा इशू बने थे, देखो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता, अभी आप बात करो उसके बारे में, जो हो गया हो गया, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, MDLEES Premium Cakes and Desserts. Speed board कर बुलाने का क्या है बोले तो, जो कल पानी गिरा और जो बोलते आप घर, जो पूरा हुमनाबाग क्षेत्र में, हुमनाबाग तालुके में, बीदर जिले में बहुत पानी हो गया, उसके बाद मुझे जब रात को मालूम हो गया, मैं सुबह तहसीलदार हुमनाबाग ईओ और हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो उसको संबंधित सभी अधिकारी को रात को सूचना देकर, सुबह आज हम 9 बजे 10 बजे से हमने हमारा प्रवास निकले, उड़गी, कपरगांव, नंदगांव, बेन चिंचोली और मलकापुर वाड़ी, ये सभी गांव को हमने विजिट किए। वहाँ पर विजिट करने के बाद बहुत सारे लाश हो गए रही लोगों का, पाप जो पपाया है, जो पपाया है पपाये का है, और क्या बोलते हैं खुद ही हिंदी नगर का आम, आम का तो बहुत ये हो गया ये, और टमाटर, सभी रहित लोगों का जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, सभी लोग पूरा परेशानी में। जब हम एक 7 से 8 तरफ हमने विजिट किए, रहित लोग इतना परेशानी में है, साहब हमने 2 लाख इन्वेस्ट किए, ये देखो पूरा चलेगा, वो पूरा गार गिरकर, वो पूरा कलंगड़ी, वो पूरा होल गिर गए, पपाई सभी को, और टमाटर तो पूरा चले गए, टमाटर तो कुछ भी नहीं। वो देखकर कर वो लोगों को ये करने के बाद मैं अधिकारी के सामने चर्चा किया, ये एनडीआरएफ में कुछ पैसे देने के लिए प्रोविजन है, उसमें क्या करें उन्होंने, ये क्या है, ये अलग अलग है, ये जो तोड़गारिके में क्या है उसमें 17,000 रुपये पपाई और बाड़े हंडो कलंगड़ी, उसको करीब 17,000 रुपये पर हेक्टर, इतने ही देने का उनको प्रोविजन है इंडिया रफ। और उसको क्या है ये आम के वास्ते है, करीब मेरे ख्याल से 22,500 रुपये है उसको, किसका आम के वास्ते पर हेक्टर। तो ये लोगों को, ये जो रईत लोगों को इतना देने से समाधान नहीं होता, ये तो इंडिया रफ का स्कीम है, बहुत पुराने से चलता है। मैं कर्नाटक राज्य सरकार को मैं क्या बताई करता हूँ, अभी तुम्हारे तरफ से जो कर्नाटक सरकार के तरफ से पर हेक्टर मिनिमम 30,000 रुपये तो आप पर हेक्टर देना चाहिए रईत लोगों, रईत लोग बहुत कष्ट में है आज यहाँ पर देखने के बाद, रईत लोगों को उनका हालत देखे तो ऐसे लग रहा मुझे, खुद मैं भी एक रईत का बेटा हूँ, मेरे पास भी आम का करीब 2,000 झाड़ है, मेरा भी कितने पैसे को मैं भी 30-40 लाख रुपए को मेरे भी झाड़ बेचे, ये मैं और एक कपरगांव में गया था, पाप उन्हें 11 लाख रुपए को लिया, कोई महाराष्ट्र का कोई बंदा है, उन्हें बोल रहा था साहब पूरा लाश, पूरा जो आम है पूरा गिर गया, वो बहुत हालत खराब है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सरकार को, मैं क्या बताई कर रहा हूँ, कम से कम ये जो एनडीआरएफ को छोड़कर, एनडीआरएफ को तो दे रहे आप 17,000 या 22,000 कुछ भी पर हेक्टर, उसको छोड़कर कर्नाटक सरकार से पर हेक्टर 30,000 रुपये तो आप देना चाहिए। और इसमें और एक क्या है, सर्वे बहुत ही जल्दी से सर्वे करना है, विद इन 1 or 2 वीक में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्वे कर कहाँ पर रहित लोगों मुश्किल में है। सर मैनुअली अगर सर्वे करें तो 2 हफ्ते का 1 महीना भी जाता सर। अब देखो कभी भी मैनुअली करें, आपको भी बोलना चाहता हूँ, कोई बोले तो आप भी सुने होंगे, भाई भी सुना हो, ये ड्रोन सर्वे के बारे में मैं चर्चा किया, कभी यहाँ पर मैं 4 बार MLA बन चुका हूँ, जब हम ड्रोन सर्वे करें आपको बोलते मैं
जब कारंजे में जो बैक ऑर्डर ठहर गए पूरा डाकड़ गए उधर सब जो, जब क्या करें हम इरीगेशन डिपार्टमेंट को बोलकर वहाँ से ड्रोन सर्वे हम करने को लगे, क्योंकि वहाँ पर सर्वे नहीं कर सकते थे, इसके वजह से हमने ड्रोन सर्वे करे वहाँ पर। वो ड्रोन सर्वे करने के बाद उनको क्या क्या होने का कहना है, लेकिन ये यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर में लैब्स हो गए उसको अभी तक कौन सा भी ड्रोन सर्वे नहीं हो गया। मैं वही तकीकत किया मैं अधिकारी के साथ, उसको क्या सर्वे करना है, उसको ज्वाइंट सर्वे करेंगे लोग एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर तहसीलदार एक टीम रहेंगे, और उसके साथ मेरा बोलने का अधिकार को सूचना दिया मैं, बहुत अच्छा तरीके से इनका सर्वे होना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब कुछ लोग हम गए तो पूछ रहे थे इंश्योरेंस का पैसा क्या हो गया, बोलकर नंदगांव में चला चर्चा इंश्योरेंस का पैसा क्या हो गया। आपको मालूम है एक बार 2013 में जो डीसीजी के बैंक के अध्यक्ष उमाकांत रंगमापल्ली जी जो 13 करोड़ रुपए जो इंश्योरेंस भरे थे, उस टाइम को जो 135 करोड़ रुपए जो जमा हो गए रईत लोगों को, उसके बाद कुछ भी नहीं। ये रईत लोग कितना भर रहे हैं ना, उनका 4 पैसे भी वापस नहीं है इंश्योरेंस में। आप देखिए, आप हम केडीपी में बहुत बार इसके बारे में चर्चा किए, जो लोग 5,000 भरे 2,000 भरे उनको 50,000 400,000 200,000, ये भी उसमें क्या गोलमाल है पता नहीं है, वो एक ही कंपनी को दे रहे बार बार, क्या पता नहीं हो रहा। इसके बारे में केडीपी में हम बहुत चर्चा किए, ये सर्वे अच्छा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, सभी को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। जो सरकार का जो NDRF फंड है उसके साथ मेरा अपील है सरकार से, पर एक्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से 30,000 रुपये पर एक्टर एडिशन देना चाहिए। सर अभी और एक CM फायर साहब एक आरोप लगे कि अभी जो दिल्ली माधवी स्कूल में जो है सर लीकेज हो रहा पानी का, तो अभी एक साल भी नहीं हुआ ऐसा हुआ तो फिर नहीं कहाँ पर लीकेज हो रहा आप थोड़ा मेरे को बताए तो मालूम होता है। वो वीडियो में भी प्रेस मीट के जरिए वीडियो में भी बताए CM फायर साहब, नहीं वो तो देखे तो मालूम हो जाएगा CM फायर साहब उनको भी यहाँ का कुछ मालूम नहीं। आज का ही मैं बता दूँ, मैं MLA हूँ, मेरे को जाने के लिए अधिकारी के साथ मैं जा रहा हूँ, उन्होंने आए तो मैं वेलकम किया, उन्होंने ड्रोन सर्वे होना ये कर रहे थे, पापा बात कर रहे थे जनता के कैंडिडेट, मैं जब सर्वे को निकला उन्होंने एक तरफ ठहरे थे, पापा उनका जो कहो उन्होंने करने का अलग, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, क्या बोलते हूँ मैं आप सुनिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मैं शासक हूँ, मेरे साथ पूरा अधिकारी गण है। वो नंदगांव को जाने पर एक तरफ उन्होंने कर रहे थे, मैं वहाँ पर नहीं ठहरा, उनका उन्होंने कर रहे हैं उनका पार्टी से कर रहे हैं, उन करने के लिए हक नहीं हक है, हम मैं उनको नहीं बोलता, अब उन्होंने कर रहे अच्छे के लिए कर रहे अच्छा हो। मैं उनको छोड़कर मैं इधर जाकर देख रहा था, एक आधा किलोमीटर के आगे हमारे ऑफिसर्स ठहरे हैं सब यहाँ पर देखना है, फिर उन्होंने वहाँ पर आए और बोले वेलकम किए। सर कितने एकड़ तक ऐसा लॉस हो गया सर? देखो अभी मिनिमम उन्होंने बताए, अभी कुछ ऐसा थोड़ा सर्वे नहीं हो गया, आपको मालूम है 2-3 दिन से ही पानी गिर रहा, वो पानी गिर रहा, उसके वजह से सभी अधिकारी यहाँ पर ही बैठे अभी तक, तहसीलदार UO एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर ये संबंध सभी ऑफिसर्स है, सभी लोग यहाँ पर ही बैठे, उसको सबको कर 1-8 दिन के अंदर पूरे रईत लोगों को मिले ऐसा काम करेंगे, और ये पैसा आने के लिए 10-15 दिन तो लगेंगे, तो सरकार का कुछ ये रहता है कैसे करना कैसे देना क्या है, ये पॉलिसी मैटर है कैसे करना पूरे डिस्ट्रिक्ट को है, अरे हमनाबाद बोलकर नहीं उसको देख लेकर करेंगे। और आप जो बताए पब्लिक दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसा बने आप, उसको थोड़ा मेरे को बताते हो मैं देखता हूँ। देखो काम करने का MLA का अगर कुछ भी अगर गलत हो गया तो अगर कोई गलत काम किया तो उसके ऊपर हम एक्शन नहीं। अभी हम रोड बनाए, रोड बनने के बाद पानी ठहरे तो उसको भी जिम्मेदारी MLA होता, उनको कुछ तो मालूम होता क्या नहीं जी, मेरे को मालूम नहीं आपके वजह से तो उनको मालूम तो कराओ। अब कौन सा भी काम, अभी मैं अब कल 3 करोड़ रुपये का बिल्डिंग को हम फाउंडेशन डाल रहे हैं, हॉस्पिटल के पास 2.5 करोड़ रुपये का बिल्डिंग को करें, एक बार उनको घर में लोग लीजिए अगर बताओ ना कितने रानी चंद्र में आप लोग भी थोड़ा बोलो ना, 26 करोड़ रुपये का हमने वहाँ पर बिल्डिंग बनाए 250 बच्चियों को पढ़ने के लिए, कितना 26 करोड़ रुपए। जब प्रयाग खड़गे जी जो मंत्री थे मैं मंत्री था उस टाइम को 26 करोड़ रुपए हमने खर्च कर किए, ये उनको पाप मालूम नहीं। देखो कोई बंदा सो गए तो उठा सकते, जो चुप चुप कर सो तो उठ जाए, उनको क्या मालूम उनको रोड बोल रहे हैं उनको कितना स्पीड में उन्होंने जाना चले चलो बोलो हमनाबाद गड़बड़ी कितना स्पीड में उनका 5 किलोमीटर चलता चलो बोलो, रोड नहीं है कुछ भी नहीं है, भाई 6 महीने में डेवलपमेंट कर दो कैसे करते भाई तुमसे, इनको अभी 6 महीने में तो 6 महीने तो पूरे गांव देखने को लगता क्या नहीं, आप बोलिए लगता क्या नहीं, आप बोलिए भाई साहब मेरे को मत देखो 6 महीने इनको अभी पूरे गांव देखने के लिए लगता है।
जिनको गौ माल पापी में आए 2 महीना हुए। आप ही बताए, हम 40 साल आपसे रबड़ रहे, कितना 40 साल से लिंगाई का बसराज पाड़ी साहब को पकड़ कर 1978 से ये 2024 तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लड़ रहे हैं। जब तक मिराजन पाड़ी साहब थे, मिराज पाड़ी साहब लड़े, नसीब पाड़ी साहब लड़े, सुभाष कल्लूर साहब लड़े, क्या हो गया देखिए, कभी मिराजन पाड़ी साहब जीते खाली 2000-3000 से जीते। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, मजा बोलो, जब जब मैं जीता 10,000, 15,000, 25,000, 32,000, और पाप उनको क्या है, कुछ भी बोलने का उनको भी आदत गिर गई, जनता दल का कैंडिडेट को भी। मैं उनके बारे में चर्चा करने के मैं छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं उनकी उसके ऊपर चर्चा करने की। पहले उनको क्या अभिवृद्धि हो गया पूरा हमनाबाद क्षेत्र में देखो बोलो, नहीं तो एक काम करो बोलो, हमनाबाद में एक मीटिंग बुलाओ बोलो, तेर मैदान में उनको मैं कैंडिडेट को मैं ये करना चाहता हूँ, एक मीटिंग बुलाओ, सब आमने सामने बैठेंगे, फैज साहब भी बैठे दो, मैं भी बैठूंगा, फिर बीजेपी के तो अभी कौन कैंडिडेट है मालूम नहीं, वो भी आने दो। क्या हम अभिवृद्धि किए, अब हमनाबाद अभिवृद्धि नहीं हुआ तो फिर क्या है, हॉस्पिटल का हालत क्या था। और एक आम आदमी पार्टी से एक्स टीएमसी प्रेसिडेंट नजीब साहब एक आरोप लगा रहे थे सर, 1998 में जामा मस्जिद के अंदर टॉयलेट ब्लॉक आप के आरोप लगा रहे। देखो ये सब मुंशी पार्टी का काम, मुंशी पार्टी ने बोलते इसके बारे में, वो उन्हें भी अध्यक्ष है ना साहब, जो उसके बारे में बोल रहा हूँ, ये कौन सा पार्टी में गए हो तो? आम आदमी पार्टी। ओ ऐसा क्या, मुझे मना पता भी नहीं, सब पार्टी हो गए आम आदमी पार्टी में गए। ये यहाँ पर कुछ लोग क्या है, कौन सा पार्टी है, सब बच्चे सब गए लास्ट आम आदमी पार्टी। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, खुद ही वो अध्यक्ष थे, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। अगर कुछ भी अगर ऐसा रहा उसके ऊपर मैं एक्शन ले रहा हूँ। अगर वो पैसा काम नहीं करने से लिए, वो कहीं भी रहने दो, कितने भी बड़ा आदमी रहने दो, उसके ऊपर हम ब्लेम करेंगे। सर आप बार बार बोल रहे हैं, ऐसा सीएम फैज साहब का कहना है कि बार बार आप कह रहे हैं कि 2 महीने हुआ सीएम फैज आके बोलते हैं, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि 6 महीने हुआ आके, या मेरे साहब को ये भी कैलकुलेशन नहीं मालूम कि मैं आके यहाँ पे 6 महीने हो गए, वहाँ पर 6 महीने हो गए बोलो, जब आए गए ऐसा तो 40 साल से मैं रबड़ रहा, 6 महीने नहीं हो गए फैज साहब, आप आकर 3 महीने तो 4 महीने हो गए होंगे, आप सोचिए 4 महीने से तुम काम को लगे, जब तुम्हारा पिताजी इलेक्शन का टिकट बोले आपको, जब से भाग रहे, उससे पहले कभी आए थे, कभी ननगांव तुम्हारे को मालूम है, बेन चिंचोली कहाँ पर है मालूम है, कुमार चिंचोली कहाँ पर है मालूम है, मालूम है घड़वाड़ी कहाँ पर है मालूम है, घड़वाड़ी में लेक बने वहाँ पर उतना काम करे, उनका आंखें को नहीं लगा क्या करे बोलकर, नहीं दिख रहे ना भाई, देखो उन्होंने क्लेम कर रहे थे पाप, हमने इलेक्शन को ठहरा, कुछ भी नहीं हो गया। अरे भाई तुम, हमने क्या करे, वो तो अगर तुमने तुम बोले से कुछ होता क्या, नहीं करे बोल तो होता क्या, उन्होंने आने के बाद में जब पूरा कर रहे मुल्क के बोलते, अरे बाप रे, फिर वो बीजेपी वाले बोलते ना 70 साल में कुछ कांग्रेस नहीं किया, खाली 9 साल में किया, वो ऐसा बोल रहे आप तुम। सर पब्लिक में और एक रूमर्स चल रहे हैं, कुछ दिन पहले आप समावेश करे सर 17 तारीख को, तो आप क्यों इलेक्शन के टाइम माइनॉरिटी याद आ रहे हैं बोल के पूरा पब्लिक में, कौन पब्लिक में आप उड़ा रहे, आप बोल रहे पब्लिक में, कौन पब्लिक में उड़ा रहे, अभी अब नहीं करे, ये माइनॉरिटी का अध्यक्ष हमारे जो हमारे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अफसर मियां साहब, सभी लोग माइनॉरिटी भाई आए, हम एक मीटिंग करेंगे, करो भाई बोला भाई, ये के इलेक्शन में ये की बार हर बार करते माइनॉरिटीज करते, SC ST करते, जनरल करते, सभी लोगों का प्रत्येक मीटिंग करते, नहीं करना क्या बोलिए, उसमें क्या करने का, किसी को तुम्हारा परमिशन देकर किसी का परमिशन देकर नहीं करना, नहीं कर सकते मेरे मस्जिद को, ये अभी नहीं कर रहे हम कभी भी, माइनॉरिटी भाई रहने दो, SC ST रहने दो, लिंगायत रहने दो, सब कास्ट का अलग अलग भी नहीं कर रहे उनको, हमारा क्या निवेदन करना, निवेदन करते उसमें क्या है। ये देखो ये लोगों को क्या हो गया, मैं आपको बोलता हूँ, आपका जरिए से भी बोलना चाहता हूँ, जब सिद्धरामैया साहब का फंक्शन हो गया कितने लोग जमा हुए थे साहब आपके हिसाब से? 25 से 30। पिछले में भारतीय जनता पार्टी का भी फंक्शन हो गया कितने लोग जमा हो गए थे, जनता दल का भी फंक्शन हुआ था कितने लोग जमा हुए थे, वो सब आपके सामने छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, इनको क्या हो गया, इतने लोग जमा होने के बाद क्या है भाई, हमारा किसके साथ लड़ाई करना, ये हर बार चुनाव आने के बाद दल वाले बोलते भाई जीतू, बीजेपी वाले बोलते जीतू, अब बोल दो उसमें क्या है, आखिरी तो आम आदमी जो लोग हैं, जो मतदार है, मतदार देवता है, वो लोग फेल कर देगा, छोड़े भाई बोलने से, बीजेपी कैंडिडेट बोलने से, दल का कैंडिडेट बोलने से होता क्या, नहीं होता, हम उसके ऊपर है, ये इन्हों
ये करे तो वो ऐसा हो गया बोलते, ये रोड उन्होंने के बाद क्या करेंगे, क्या हो गया रायचूर का बस स्टैंड ओपनिंग उन्होंने के बाद। हाँ। आपके जरिए मैं बोलना चाहता हूँ, इसको भी अभी आगे डाल रहे थे श्रीरामलू साहब अभी 10 तारीख 15 तारीख करेंगे। भाई श्रीराम साहब को फोन लगाया जब उनको हमनाबाद में बसा करने में अमित शाह जी आए थे ना, जब हमनाबाद उन्होंने आए थे मैं फोन लगा, भाई आज उनको बुलाकर बोले डीसी के सर्टिफिकेट बोले साहब रामलू साहब बोल रहे अभी आगे करेंगे। भाई रामलू साहब को फोन लगाया, सर ये छोटा सा बस स्टैंड है, पूछिए आप हो रहे तो झूठ रहे तो ये छोटा सा बस स्टैंड है, इसको मैं कर ले तो फिर आगे कौन सा फंक्शन दे दो आप आओ। आई थे मैंने उन्होंने माड़पोरी है, मैंने साहब माड़पोरी बोले बोलो देखो वो तो मालूम है बस स्टैंड कैसा बनाया, बोलते बस स्टैंड के जगह के लिए हमने क्या किया वो उनको मालूम है, उनको मालूम है, उनको उसी मालूम है बस स्टैंड के जगह के लिए किसको पकड़ कर हमने भीख मंगकर जगह लिए, जगह लेकर उनको करने के वास्ते कहाँ से पैसे लें क्या क्या करें उनको मालूम नहीं पाप, उनको कहाँ पर क्या है कुछ मालूम, वो कितने रड़ी चरण में देखे गए थे उन्होंने हरिकेट के में जाकर थोड़ा बहुत स्कूल देखा और बोलो कितने हॉस्टल्स बने। और एक ये जो जनरल हॉस्पिटल से है ये यहाँ पर, ये जो हम बेंगलुरु से ये जो प्राइवेट ये जो ये रहता है क्या बोलते संघ संस्था इसका एनजीओ से 1.5 करोड़ रुपए का हमने मटेरियल लाए, उनको थोड़ा बताओ डॉक्टर से यहाँ पर गवर्नमेंट से नहीं, हमारे जो एनजीओ से दोस्तों बेंगलुरु में वहाँ से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक ये इक्विपमेंट्स लेकर आकर हमनाबाद और हमनाबाद क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल हैं सभी हॉस्पिटल को दिए। सर सीडी बड़ी बड़े करते बोले लेकिन अभी तक करे नहीं, बोलते कौन सा सीडी डेवलपमेंट सीडी कौन सीडी सी बड़ी करते बोले सर अफसर साहब बोले थे कि अभिषेक पाटिल के बर्थडे में अभिषेक पाटिल का बर्थडे में थोड़ा ये हो गया, अभी सीडी बिगड़े तो हम करेंगे जो अभी ये इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा जब करेंगे। सीडी बोलो तो क्या हम काम करें, 100 रुपया सीट क्या है 25 तारीख को रिलीज हो वो पूरा रेडी हो सोचो ये करने का होता है दिन सवेरे 10 बजे चालू कर रहे हो। सर ये कुकर का क्या है, सर कुकर का भी बहुत बड़ा इशू बने थे, देखो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता अभी, आप बात करो उसके बारे में जो हो गया उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता, ये दूसरे लोग कुछ करे तो आप नहीं पूछे मेरे को क्यों पूछ रहे आप, ये जो यहाँ पर जो सारी बांटे यहाँ पर बीजेपी वाले तुम्हारे को मालूम नहीं होगा कितने लोगों को बांटे क्या क्या करे वो क्या था हिंदू धर्म में ऐसा है बोल क्या हिंदू धर्म में आज ये हिंदू धर्म का तुम्हारे को मालूम हो गया तुम्हारा धर्म में क्या है, ऐसा नहीं होता भाई साहब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं, सब जात पात बसवंडा 800 साल पहले ही बोले एक औरत एक भरत दो ही जात नहीं जी कितने दिन से कर रहे हैं आज जो प्रोग्राम करे क्या करे जॉब मिला कभी करे थे कभी कोई करे थे आप लोग भी होशियार हैं, मैं देखा जब पेपर में आया 5,000 लोगों को जॉब मिलता हो जाएंगे सूर्य का तो रामबार पंडित जी आज बीदर में करीब 10 बार ये मेला करे ये नदियों 10 बार मेला करे आप लोग भी सोचो कुछ नहीं हुआ एक 100 लोगों को भी नहीं मिला, मैं आज के आप बोलो कितने लोगों को नौकरी मिलेंगे 1200 कुछ फार्म ये करे बोल के बता रहे नहीं 1500 फार्म कर रहे पाप अच्छा काम करे मैं अभिनंदन देता हूँ उसका बात अलग है 1500 फार्म करे तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगा और टारगेट है 200 बच्चों को सर यहाँ पे ऑफर लेटर देना फिर जो बचेंगे बच्चों को 6 महीने में उनको हर एक कंपनी के हम एक ये थोड़ा मेरे को भी बताओ मैं भी आता हूँ जॉब कार्ड मैं भी आता हूँ सुनो कौन सा कंपनी वाले 200 लोगों को दे रहे मैं भी आता हूँ मैं भी देख लेकर मैं भी अभिनंदन देता हूँ मैं जब कौन सा कंपनी वाले 200 लोगों को ले रहे ना और तुम 6 महीने में क्या बोल रहे हैं 6 महीने तक उनको हम पीछे फॉलोअप करके जॉब कार्ड दे रहे हो देखो ये खाली चुनाव के वास्ते जॉब कार्ड ये सब देख लेकर बस हो गया ये सब छोड़ो आज ही याद क्यों आया इन दूसरे पूछ रहे हैं आज ही क्यों याद आया ये सब करने के लिए अभी क्या है आप ही बोलो ना आप सोच समझ कर आप ही माध्यम से रहते आप ही बोलो इतना साल हो गया कभी जिंदगी में वो करे कभी जिंदगी में वो साड़ी बांटे कभी जिंदगी में बड़ा बर्थडे करे मेरे तो बर्थडे मेरे बेटे का बर्थडे कभी भी हम 10-15 साल से कर ले रहे क्या नहीं आज ही याद क्यों हमारा सब और उन्होंने करे तो साड़ी बांटे तो अच्छा है दूसरा कुछ तो बांटे तो ये गलत है क्या जी ये बात हो कैसा होता ये अच्छा तरीका नहीं है। तो किसानों को क्या मैसेज देना नहीं किसानों को देखो किसानों तो बहुत मुश्किल में है
किसानों को मैं अधिकारी को सबको सूचना दिया हूँ मैं बिल्कुल उनको जल्दी से जल्दी जो NDRF का जो है केंद्र सरकार का वो होता है उसके साथ जो राज्य सरकार का विशेषकर करीब मिनिमम 30,000 रुपये तो पर हेक्टर एडिशनल देना बकर मैं माने हमारे राज्य मुख्यमंत्री जी बसवराज बोम्मई साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर लास्ट एक क्वेश्चन, जामा मस्जिद सराय की जो ज़मीन है सर 20 साल से आपकी हुकूमत है तो वो ज़मीन सराय की है फिर नाम कैसा चेंज हुआ बोल के एक क्वेश्चन है सर। क्या सराय क्या है क्या है? जामा मस्जिद के बाजू जो म्यूनसिपाली ये है सर जगह वो लैंड है। देखो ये सब थोड़ा कोर्ट का बैठ रहे इसके बारे में मैं देख लेकर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ ये जो कोर्ट इसमें रहे तो हम उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसका क्या है देख लेकर आप पूछ रहे हैं मैं कल ही उसका डॉक्यूमेंट्स मंगा लेता हूं उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स यूनाइटेड हॉस्पिटल केबीएन यूनिवर्सिटी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फाइन आर्ट डिजाइनर्स चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल एमडी लीज प्रीमियम केक्स एंड डिजर्ट्स।